नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। आज बनाएंगे बथुआ की कढ़ी। तो बथुआ की कढ़ी बनाने के लिए ये आधा किलो दही लिया है, तो दही को पहले मैश करेंगे। इसमें 4 छोटा चम्मच डालेंगे बेसन, चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर। अब रई से सबको मिक्स करेंगे। अब दही में 1 कटोरा पानी डाल देंगे और सबको मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया है, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ज़्यादा गाढ़ा होगा तो कढ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब रई को बाहर रख देते हैं। 2 चम्मच डालेंगे सरसों का तेल, क्योंकि कढ़ी सरसों के तेल में बहुत टेस्टी बनती है। तेल गर्म हो गया है, 1 चम्मच डालेंगे जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भूनेंगे, लहसुन भून चुका है। 1 चम्मच डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट, थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी हम पहले भी डाल चुके हैं, मसाला भुन गया है। इसमें डालेंगे दही और बेसन जो मिला के रखा था, और इसको लगातार चलाते रहेंगे। अगर नहीं चलाएंगे तो दही फट जाएगा। कढ़ी में उबाल आ गया है, गैस कम कर देंगे। और अब इसके लिए काटते हैं बथुआ। ये बथुआ है, इसको मैंने धो करके सुखा दिया है। 1 मुट्ठी बथुआ है। अब इसको छोटा छोटा काटेंगे। अब इसको कटोरे में काट लेंगे। बथुआ की कढ़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, और सर्दी में ये बहुत ही फायदा करती है। अगर जुकाम खांसी है तो बथुआ की गरम गरम कढ़ी खा लें, जुकाम में आराम मिलेगा। और ये बाजरे की रोटी के साथ, चावल के साथ बहुत टेस्टी लगती है। ऐसा डालेंगे धनिया, तो धनिया को भी काट लेते हैं। कढ़ी में कटा हुआ बथुआ डाल देंगे। कढ़ी में बहुत ही अच्छे से उबाल आ गया है और कढ़ी अब पक चुकी है। अब इसमें डालेंगे धनिया और मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब कढ़ी तैयार है, गैस बंद करते हैं। अब बथुआ की कढ़ी बन करके तैयार है। आपको मेरा बथुआ की कढ़ी बनाने का वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे।